थाना रसूलपुर क्षेत्र में कवि हासिम फिरोजाबादी के साथ हुई मारपीट के कसूरबारों को पुलिस ने धर दबोचा। एसएसपी सचिंद्र पटेल ने प्रेस वार्ता के दौरान दी जानकारी। हाल ही में कवि हासिम फिरोजाबादी पर हुए हमले के बाद पुलिस महकमा हरकत में आया और हासिम फिरोजाबादी के ऊपर हमला करने वाले उनकी पिटाई करने वाले हमलावरों की तलाश शुरू की और उसी कड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता जब हाथ लगी तो उन्होंने तीन अपराधियों को हिरासत में लेकर प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी सचिंद्र पटेल ने इस वारदात का खुलासा किया। फिरोजाबाद से गौरव राठौर की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। परसों रसूलपुर थाना क्षेत्र में जो मशहूर शायर हाशिम फिरोजाबादी, उनके साथ कुछ लड़कों ने मारपीट किया था और मारपीट करने के बाद उनके द्वारा अपने तहरीरी सूचना में ये बताया गया कि उनके ऊपर कोई ऐसा ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया गया जिसके द्वारा उनके चेहरे पर और छाती पर जलन के निशान पड़ गए हैं। इस संदर्भ में तत्काल ही रसूलपुर थाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इस पर हम लोगों ने कई टीमें बनाई थी जिनके द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए 5 नामजद अभियुक्तों में से 3 को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। जो मेडिकल है उसको भी हम लोगों ने दोबारा बोर्ड से कराया और उसमें भी कोरोसिव सब्सटेंस की पुष्टि हुई है जिसके आधार पर हम लोग सुसंगत धाराओं की बढ़ोतरी करेंगे और अन्य जो 2 अभियुक्त शेष हैं उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग शेष कर लेंगे। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें हम लोग कठोरतम कार्रवाई प्रयोग में ला रहे हैं।